सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। संडे का सेशन थोड़ा सा टाइम फ्लेक्सिबल रहता है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जो भी टॉपिक्स हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका स्पेशल इशू पब्लिश होता है, जस्ट लेट मी नो कि आपका जो है किस तरीके से, मतलब ऑडियो और वीडियो इज़ फाइन, एक बार जस्ट लेट मी नो। क्लास आपका रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। अगेन आई एम स्टेटिंग, कल से जो आपकी क्लास होगी वो दूसरे चैनल पे होगी, तो वो चैनल आपको पता होना चाहिए। मतलब अनअकैडमी का ही चैनल है, सेम सब कुछ है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, UIS नाम से है। सो इस नाम से आपका जो है क्लास होगी। आप इस चैनल पे भी अपना रेगुलर बेसिस पे सेशंस बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको भी आप करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे UIS जो चैनल है वहाँ पे हिंदू का सेशन होगा, ठीक है। हिंदू का सेशन है, प्रिलिम्स ज्ञान सीरीज है। अभी आई विल अपलोड उसमें 9 PM को। अभी जो है संडे को जो वीकली मेंस का मॉक टेस्ट है, दैट आई विल अपलोड, ठीक है। वीकली मेंस का जो मॉक टेस्ट है, हिंदू के लास्ट पूरे वीक के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, सो है ना, तो वो सब पर बेस्ड जो मॉक टेस्ट है वो प्रॉपर आपका होगा। तो वो मॉक टेस्ट की जो टाइमिंग है वो है 9 PM, आज इट विल बी अपलोडेड, तो आप लोग उसको अपना कर लेना। तो ये मॉक टेस्ट भी है 9 PM का, ठीक है। तो ये टॉपिक पहले मैं आपको बता देता हूँ। सो टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओरल ड्रग्स अगेंस्ट कोलेस्ट्रॉल, लार्जेस्ट मैराइन फॉसिल, मेटोराइट डिलीवर्ड वाटर्स इन मार्स। इस पे कुछ कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा, द कंसेप्ट ऑफ GEL, ठीक है। और एक और एक कॉन्ड्राइट करके मेट्रॉइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, तो ये दो चीजें इस पर आएंगी, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन तो पता होना चाहिए। डेंगू स्प्रेड इन फ्रांस, ये यूनिक है कि वाई द डेंगू, डेंगू की जो बीमारी है वो यूरोप में स्प्रेड हो रही है, जनरली यहाँ पे नहीं होना चाहिए बट हो रही, क्यों हो रही है। अर्बनाइजेशन और हाइपरटेंशन, इंडिया फ्यूचर स्ट्रेटजी फॉर एमिशन। देखो ये मैंने आपके लिए PPTs बना दी हैं, इस पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, बट क्योंकि आज पूरा कंपाइल करके पूरा आ गया है, तो PPT आपसे आई विल शेयर विथ यू। इस पर हम जो एक स्ट्रेटजी आई है, मतलब जो आपकी COP27 वाला है, तो उसमें ऑलरेडी हमने एक दो आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस कर, वही सबका कंबाइंड दे दिया आज संडे को। तो आई हैव प्रिपेयर्ड PPTs फॉर यू, तो आप उसको डायरेक्ट रीड कर लेना, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। PPTs या माइंड मैप्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स, ये साइंस का टॉपिक है, ये प्रिलिम्स का ही टॉपिक इन जनरल है, यहाँ पे भी आपका ज्योग्राफी और साइंस के टॉपिक हो, डेंगू स्प्रेड इन फ्रांस ये आपका टॉपिक आप साइंस के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन एक अलग से टॉपिक है, अर्बनाइजेशन का क्या इंपैक्ट हो सकता है, तो इस पर एक एंगल ये भी आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये स्टडी कहती है अर्बनाइजेशन के इंपैक्ट। अर्बनाइजेशन आपका GS Paper 1 के अंदर है, और ये टॉपिक आपका एनवायरनमेंट का, तो इसका PPTs आई हैव प्रिपेयर्ड, इसी पूरे कंटेंट है, शेयर कर दूंगा मैं आपसे इसके लिए करंट अफेयर टेलीग्राम, उसको पढ़ लेना। ऑलरेडी इस टॉपिक पर हमने 2-3 आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि हम NDCs क्या है, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑन दीज पॉइंट्स, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट मी नो, वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब ठीक है, एक बार बता दो यस करके। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, IAS एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो देखो December 1 से आपका जो कोर्स है करंट अफेयर्स का नया शुरू होगा। आई विल ऑल्सो लॉन्च इन कमिंग मंथ्स साइंस एंड टेक का कोर्स। आई विल ऑल्सो लॉन्च जो है बेसिकली है ना, लाइक क्रैश कोर्स करंट अफेयर्स का, ये सब भी आपके कोर्सेस आएंगे। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है दैट विल बी देयर। तो यहाँ पे आपका नवंबर है अभी चल रहा है, फिर दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, ठीक है। तो हर महीने आपके कोर्स आने हैं, तो आप सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, टॉप एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं, फिर यूजिंग द कोड SPLIBE। तो कैसे करना है, unacademy.com में जाना है, ये लेट मी टेल यू। तो यहाँ पे जैसे आपको unacademy.com में जाना है एंड UPSC CSE सेलेक्ट करना है, कोड डाल दो SPLIBE और इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें देखो प्रीलिम्स के कोर्सेस हैं, मेंस के कोर्सेस हैं, आप ऑप्शनल भी चाहो तो सेपरेट ले सकते हो, ये कॉम्बो है वो ले सकते हो, ये सब चीज़ें इसमें। सब ये ध्यान रखना है, जब आप ज्वाइन करते हो तो सिर्फ आप मेरा ही कोर्स नहीं, सारे एजुकेटर्स के, टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी आपके 24 नवंबर तक आपका ये ऑफर भी चल रहा है। अब आप ये जो अमाउंट देख रहे हो, इस अमाउंट में साल भर के लिए है, 18 महीने के लिए, 18 मंथ्स, ठीक है। 18 मंथ्स में आपको लगभग 20 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और 20 सब्जेक्ट को भी आप पता नहीं कितने सारे टीचर से पढ़ सकते हो, जो जो कोर्सेस आएंगे सब एक्सेस कर सकते हो। पर सब्जेक्ट अगर आप डिवाइड करोगे कॉस्ट तो बहुत कम आएगी।
ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम का बैच देखो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है वो लॉन्च हो रहा है, आप देख सकते हो। फिर आपका देखो यहाँ पे बायलिंगुअल कोर्स भी है, टॉप एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, बायलिंगुअल आरंभ बैच है वो भी आपका लॉन्च किया जा रहा है। तो ये सारे कोर्सेस आपके जो आप देख रहे हो, ऑल दिस कोर्सेस यू कैन सी जो कि आपके जो है लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक है यूएस साइंटिस्ट फाइंड न्यू ओरल ड्रग फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। अब देखो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल दवा वाली कंपनीज है, वो तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहती हैं कि अरे यार किसी तरीके से कोई कुछ बीमारी हो तो हम जो है दवाई बेच लें। अब कोलेस्ट्रॉल मतलब जो फैट है वो एक बड़ा दिक्कत वाली बात है आज के टाइम पे। अगर आप देखोगे तो जो दो तरीके से, एक तो मैल न्यूट्रिशन एक तरफ बढ़ता है, दूसरी तरफ आपका ये जो फैट कंटेंट है वो है, तो फैट कंटेंट बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो अब लोग आसान रास्ता चाहेंगे, मतलब कैसे, जैसे फैट कंटेंट ज़्यादा है तो अभी फिजिकल एक्टिविटी तो रोज का करना पड़ेगा, फिर क्या है कि ये जो टंग है छोटी सी ये पूरा शरीर के लिए बहुत नुकसान भी करती है क्योंकि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर कुछ ऐसा आ जाए ना कि मतलब आप अपने ये जो खाने का जो टंग है, मतलब ये जो टंग है जो एक किसी भी चीज़ के लिए बहुत हमें आकर्षित कर देती है कि ये खाओ वो खाओ इस टाइप से, अगर हम उस पर हल्का सा कंट्रोल रखें तो जो फैट कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ऑल वो बहुत हद तक आपका जो है वो कंट्रोल हो सकता है बहुत ज़्यादा। बट अब ठीक है, दवा ऐसी आ रही कि दवा आपने खाई कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका रिड्यूस होगा, ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो सब अलग बात है, बट मार्केट में अगर ऐसी दवा आए तो फिर लोग इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज इंडिया में ही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूरोपियन कंट्रीज़ एंड ऑल में अगर आप देखो तो ये इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो ये अभी देखो इसमें हमें तो दवा से मतलब नहीं, हमको जानना है इसमें कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। तो उसमें देखो इसमें कोई मेंस का प्रश्न तो नहीं बनेगा, इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन साइंस का बन सकता है, और वो किस कंसेप्ट पे बन सकता है वो डिस्कस करेंगे। कुछ इनहिबिटर्स होते हैं उन चीज़ों पर, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिसमें टर्म आप देखो यहाँ पे जैसे एक टर्म यूज्ड है दैट इज एलडीएल रिसेप्टर क्या होता है, और एक पीसीएस के नाइन करके इनहिबिटर ये क्या होता है। तो जैसे आपसे पूछा रिसेंटली पीसीएस के नाइन न्यूज़ में है तो ये किससे रिलेटेड है, ऐसा कुछ प्रश्न आज के समय बनता भी है। तो ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग, अभी तो जैसे कुछ दवाइयां हैं भी शॉर्ट, मतलब कुछ शॉर्ट का मतलब मान लो इंजेक्शन और इस तरीके से देने से, ऐसा भी मुंह में खा लिया दवा, ऐसी दवा अभी अवेलेबल आपकी नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए जो मेडिकेशन दवा जो है आपका फॉर मैनेजिंग कोलेस्ट्रॉल आर PCSK9 इनहिबिटर्स। अब आपको ये समझना है कि ये जो PCSK9 है दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद द कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा। इनहिबिटर का मतलब इसको इनहिबिट करे, तो PCSK9 इनहिबिटर मतलब इट विल इनहिबिट दिस मॉलिक्यूल एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलेस्ट्रॉल। ये ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा, अगर जो इनहिबिटर होगा वो इसको कम करेगा तो अपने आप कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। तो जो दवा बनाई जा रही है वो इस कंसेप्ट पे बन रही है। तो आपको जानना है कि PCSK9 अगर रिसेंटली न्यूज़ में है वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जैसे अगर देखा जाए कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है अगर उसका लेवल हाई है तो उसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। सो लाइक हाईली इफेक्टिव एजेंट्स हेल्प बॉडी पुल एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड। तो जो भी है जो ब्लड है, ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर है तो उसको निकालना दवा खा के, वो दवा होती है जो, अब जो एक और जो तरीका अपनाया जाता है वो स्टैटिन्स करके, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है, अनलाइक स्टैटिन्स विच आर अवेलेबल एज अ ओरल एजेंट, PCSK9 इनहिबिटर्स कैन ओनली बी एडमिनिस्टर्ड एज शॉट्स क्रिएटिंग अ बैरियर टू देयर यूज। तो यहाँ पे PCSK9 इनहिबिटर्स को आप शॉट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, इंजेक्शन और इस टाइप से आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट हियर इफ यू टॉक अबाउट दिस स्टैटिन्स की अगर हम बात करें फ्रॉम द ब्लड, बट अनलाइक स्टैटिन्स जो कि अवेलेबल एज अ ओरल एजेंट, PCSK9 का एक जो एक आप कह सकते हैं कि बैरियर सबसे बड़ा है यूज में, वो है कि दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज अ शॉट्स के रूप में ही इनको एडमिनिस्टर्ड किया जा सकता है। तो इसलिए जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने आपका कार्य किया, और जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी, अभी यूनिवर्सिटी तो याद नहीं रहेंगी, सो दे हैव लाइक डेवलप्ड एंड ओरली एडमिनिस्टर्ड स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग दैट रिड्यूस PCSK9, ठीक है। तो आपको बस जानना है कि देखो दवा जो है वो या तो जो लेवल है कोलेस्ट्रॉल का वो इस पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन दिस दैट इज PCSK9, ठीक है। जो लेवल है जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है वो बेसिकली
इस मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, दैट इज पीसीएस के नाइन। पीसीएस के नाइन पे कोलेस्ट्रॉल ये डिपेंड करता है। तो इन्होंने ऐसे मॉलिक्यूल्स डेवलप किए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो कि इसके लेवल को रिड्यूस करेगा, ठीक है, ओरली उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखते हो, कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज से रिलेटेड है और भी बहुत सारी बीमारियों से आपका रिलेटेड है। अब देखो दूसरा कंसेप्ट इसमें है कि क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल के अगर लेवल को अगर आप को रेगुलेट करना है तो इसके लिए एक रिसेप्टर होता है जिसे कहते हैं एलडीएल रिसेप्टर, एलडीएल रिसेप्टर्स बोला जाता है। तो मतलब क्या है, अगर जो एलडीएल रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गन होता है ना, तो उस ऑर्गन के ऊपर ऐसे आप मानो एंटीना की तरह होता है कोई चीज, तो ये क्या है, ये एंटीना, इसको बोलते हैं रिसेप्टर, ये रिसेप्टर होता है। जैसे लीवर, लीवर है, ठीक है, लीवर है, इस लीवर के ऊपर एक रिसेप्टर आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है, लीवर के ऊपर एक रिसेप्टर, जिसे हम एलडीएल रिसेप्टर भी हम कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज एलडीएल रिसेप्टर, ठीक है, वी कैन कॉल इट एज एलडीएल रिसेप्टर। तो यहाँ पे जो एलडीएल रिसेप्टर है जो कि लीवर के सरफेस के ऊपर है, लीवर सेल के ऊपर है, और ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में रिमूव करने में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है उसका प्ले आपका करता है। सो एलडीएल जो रिसेप्टर्स हैं इन द ब्लड स्ट्रीम कंट्रोल द नंबर ऑफ एलडीएल रिसेप्टर्स बाय मार्किंग देम फॉर डिग्रेडेशन, देयरफॉर एजेंट्स दैट इनहिबिट पीसीएस के9 इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एलडीएल रिसेप्टर्स दैट रिमूव कोलेस्ट्रॉल। अब देखो इससे सिंपल सा जो मैकेनिज्म है क्या है कि सेल्स जो है, इसको ध्यान समझो, जैसे मान लो ये सेल्स हैं, ठीक है, इसको बड़े से डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे इजिली आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो मान लो ये लीवर है, लीवर, ये लीवर है, दिस इज लीवर, लीवर के ऊपर क्या होंगे, ये रिसेप्टर्स जितने ज्यादा होंगे जिसको बोलते हैं एलडीएल रिसेप्टर्स, ठीक है, एलडीएल रिसेप्टर्स होंगे, जितने ज्यादा रिसेप्टर होंगे उतना ज्यादा पीसीएस के9 जो मॉलिक्यूल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल के लिए, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो है आपका इसकी, ये रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो अगर ये रिसेप्टर ज्यादा से ज्यादा होंगे ये मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं हो पाएंगे, मतलब कोलेस्ट्रॉल क्रिएशन के लिए जो ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये रिसेप्टर्स इनको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो दवा है उसका फोकस क्या है कि ये रिसेप्टर्स डेवलप हो जिससे इसका डिग्रेडेशन ज्यादा हो और कोलेस्ट्रॉल अपना कम रहे, ठीक है, ये बहुत इजी है, आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे जैसे एलडीएल रिसेप्टर रिसेंटली न्यूज में था, क्या इसका रोल हो सकता है, ऐसे कुछ बातें आपको ध्यान में जो है रखनी है। अच्छा, आपको ये पॉइंट याद रखना है, कल से जो आपका सेशन होगा, ठीक है, कल से जो आपका सेशन होगा वो होगा UIAS चैनल पे, ठीक है, YouTube चैनल, अनअकैडमी का ही चैनल है, सेम टी शर्ट एवरीथिंग है ना, UIAS चैनल पे होगा, टाइमिंग वही 7:30 बजे का ही होगा, लिंक मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा इस पे लाइव करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पे। इस चैनल के अंदर भी अपना आप सेशंस जो है चलते हैं रेगुलर, वो आप देखते रहना, तो UIAS चैनल के अंदर। तो इसमें देखो क्या क्या होंगे, अभी 9 PM को आई विल टेक जो मेंस का वीकली है कंटेंट, मेंस का वीकली जो मेंस का मॉक टेस्ट है वो हिंदू पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आई विल कवर, फिर 9 PM जो प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज है वो मंडे टू फ्राइडे रहेगी, ठीक है। तो कल आपका टॉपिक आई विल कवर हिस्ट्री, न्यूज हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो न्यूज में है दैट विल बी देयर, फिर स्ट्रेटजी वीडियोज हैं, छोटे छोटे और भी टॉपिक्स आई विल स्टार्ट, जैसे साइंस के छोटे टॉपिक्स हैं, ये रहेगा। तो कंप्लीट पैकेज आपको चैनल के अंदर यू दैट विल बी देयर। तो कल से जो आपका सेशन होगा इस चैनल के अंदर होगा, ये आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है, कि कल आप सर्च कर रहे हो कि कहाँ पे सेशन है इस टाइप से UIAS, तो इसको आप जरूर से आज जाके सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना चैनल को, ठीक है। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, लार्जेस्ट एवर मैरिटाइम टर्टल फॉसिल डिस्कवर्ड इन स्पेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप मानो कि लगभग 4 ईयर्स हो गए इस चैनल के अंदर, आपका ये आप मानो कि लास्ट डे है, आई एम टेकिंग हिंदू सेशन हियर, है ना, चल बट ठीक है, कंटिन्यूटी है, सेम सी चीज़ें जो है वो आपकी चलती रहेंगी UIAS चैनल के अंदर, सेम अनअकैडमी से ही है, रिलेटेड है, ठीक। ऑलरेडी अक्टूबर से उसमें वीडियोस काफ़ी सारे आप देखोगे तो आ ही रहे, और बस हिंदू भी अब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब देखो लार्जेस्ट एवर मैरीन टर्टल फॉसिल डिस्कवर्ड इन स्पेन, अब इसमें भी कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, प्रीलिम्स का टॉपिक है, प्रीलिम्स का टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देखो एक जगह है दैट इज काल टोराडस, ये लोकेलिटी कहाँ लोकेटेड है, रिसेंटली न्यूज में ज्योग्राफी की लोकेशन आपको याद रखना है, स्पेन के अंदर, इट इज लोकेटेड इन स्पेन। तो यहाँ पे नई स्पीसीज एंशियंट टर्टल की डिस्कवर की गई है स्पेन के अंदर, और इसे कहाँ कंसिडर किया जाता है कि लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैराइन टर्टल
स्पीसीज जो आपकी आइडेंटिफाई की गई। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि रिसेंटली कहाँ पे ये सबसे बड़ा जो मैराइन टर्टल है उसकी फॉसिल आपका पाया गया, तो आपको बस याद रखना है स्पेन के अंदर आपका पाया गया। तो ये प्रीलिम्स के आस्पेक्ट में ध्यान में रखना है। दूसरा देखो एक टॉपिक आपका आता है, बहुत शॉर्ट में कॉलम्स होती हैं वो ध्यान में रखना है। कार्बोनेशियस मेटोराइट्स डिलीवर्ड वाटर टू अर्ली मार्स। अब इसमें देखो हमारे लिए जो टॉपिक एक निकल के आता है, एक कंसेप्ट होता है जीईएल, इस पर भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। तो एक तो आपका जीईएल है, दूसरा आपको ध्यान में रखना है वो है दैट इज क्रॉन्डाइट मेटोराइट्स, ठीक है। तो एक आप याद रखो दैट इज कॉन्ड्राइट मेटोराइट, कॉन्ड्राइट मीटियोराइट्स, मीटियोराइट, ठीक है। तो कॉन्ड्राइट मीटियोराइट्स ये एक टॉपिक आपका बनता है, एक ये टॉपिक है, एक दूसरा ये टॉपिक है जो हमको जानना है दोनों में से डिफरेंस क्या होता है। अब देखते हैं, तो साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट ने दे हैव एस्टिमेटेड दैट द बम्बार्डमेंट ऑफ मार्स बाय वाटर एंड कार्बन रिच कॉन्ड्राइट मेटोराइट्स फ्रॉम द आउटर सोलर सिस्टम डिलीवर्ड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द क्रस्ट ऑफ द प्लैनेट अर्ली इन द हिस्ट्री। मतलब क्या कहा गया कि देखो जैसे मार्स का जो सरफेस था, उस मार्स में, मार्स के सरफेस में पहले कभी ये जो कॉन्ड्राइट मेटोराइट्स थे, क्या है आगे डिस्कस करेंगे। मेटोराइट्स का मतलब आप सभी लोग को पता है, जैसे मान लो कोई फ्रेगमेंट है, एस्टेरॉइड है, बड़ा सा रॉक है, वो अगर प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो मीटियोर्स, फिर मेटोराइट्स, ये शब्द का हम इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कॉन्ड्राइट मेटोराइट्स है, ये जो है ये आके सरफेस से, आपका सरफेस से मतलब जो मार्स का सरफेस है, उस मार्स के सरफेस में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के डिलीवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल आपके थे। दे वे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मीन्स क्योंकि ये जो कॉन्ड्राइट है ये कार्बन रिच होता है, तो इन्होंने इस टाइप का एक सिस्टम क्रिएट किया, केमिस्ट्री क्रिएट की, जिसके माध्यम से मार्स के अंदर जो ऊपरी सतह है वहाँ पे वाटर प्रेजेंट था। बहुत समय पहले की बात आपकी इसमें की गई है। तो अब ये प्रश्न आता है कि कॉन्ड्राइट मेटोराइट्स क्या होते हैं। तो ये क्या है, नॉन मेटेलिक मेटोराइट्स हैं और जो कि बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं किए गए। इट मीन्स वॉट, मान लो मेटोराइट्स कहते हैं, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा रॉकी प्लैनेट है, रॉकी सरफेस, जैसे इसको मान लो एस्टेरॉयड है ये, तो कोई भी टुकड़ा है, ठीक है, तो ये टुकड़ा है, इसी टुकड़े में से आपका एक फ्रेगमेंट आ गया, इसमें यही फ्रेगमेंट होगा, तो जिस तरीके का पेरेंट है उसी तरीके का जो ये दूसरा इसका टुकड़ा है, तो ये जो आपका मेट्रॉइड बनेगा, कॉन्ड्राइट मेट्रॉइड, बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑलमोस्ट दे लाइक आप कह सकते हो कि इसकी तरह पेरेंट्स जो रॉक है उसकी तरीके से होती है। तो यहाँ पे इसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं किया गया ना, बाय आइदर मेल्टिंग और डिफरेंशिएशन ऑफ द पेरेंट बॉडी। सो ये कैसे फॉर्म हुआ, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्ट, स्मॉल गैस, जैसे इसमें अब ये टुकड़ा है, इसमें डस्ट आके जमा हो रही है, कुछ गैसेस इससे टकरा रही है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और वी कैन से ये जो इस टाइप के मेट्रॉइड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मेट्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जितने मेट्रॉइड्स आप कंसीडर करोगे उसमें लगभग आप कह सकते हो कि 85-86% ऐसे ही मेट्रॉइड्स आपके होते हैं, सच काइंड ऑफ मेट्रॉइड्स आर देयर, ठीक है, जिसे हम कॉन्ड्राइट मेट्रॉइड्स कहते हैं, वी यूज द टर्म कॉल्ड एज कॉन्ड्राइट मेट्रॉइड्स। तो आपसे प्रश्न आ सकता है तो व्हाट बेसिकली इज कॉन्ड्राइट मेट्रॉइड्स, तो ये टर्म आपको याद रखना। दूसरा एक टर्म यूज होता है ग्लोबल इक्विवेलेंट लेयर, ग्लोबल, अब ये आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा कि व्हाट बेसिकली इज जीईएल, आपका माइंड ये जानना चाहिए कि जीईएल क्या होता है, ठीक है, तो जीईएल क्या है वो देखते हैं। सो जीईएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल इक्विवेलेंट लेयर जिसे शब्द यूज करते हैं, व्हाट बेसिकली इज जीईएल, जैसे ग्लोबल इक्विवेलेंट लेयर जिसे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कितना वाटर, मतलब कितना पानी कभी किसी जमाने में फ्लो किया है अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द मार्स, मतलब कितना पानी फ्लो किया है सर्फेस ऑफ मार्स में, तो जिस यूनिट में वो मेजर आप करते हो उसे ग्लोबल इक्विवेलेंट लेयर कहते हैं। इट मीन्स द डेप्थ द वाटर वुड बी इफ इट वेयर नॉट सिक्वेस्टर्ड इन द बेसिन एंड द रिवर बट इंस्टेड वेयर स्प्रेड इवनली अक्रॉस द एंटायर प्लैनेट। इट मीन्स वॉट, कि जो सर्फेस है, इस सर्फेस के अंदर अगर आप पानी है, रिवर में, पॉन्ड में, कुएं में, कुछ भी पानी आप मानो, तो वो जो पानी है उस पानी को आप ऐसा मत कैलकुलेट करो, अगर सारा का सारा पानी सरफेस में आ जाए, उस सरफेस में आ जाए, तो जिस तरीके से आप उसको नापोगे ना, वो जो यूनिट आप इस्तेमाल करते हो उसको बोलते हैं जीईएल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इट इज कॉल्ड एज जीईएल, जिसे हम ग्लोबल इक्विवेलेंट लेयर भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल इक्विवेलेंट लेयर, इट इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल इक्विवेलेंट लेयर, ये ध्यान में आपका आपको रखना है, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्लाइमेट चेंज ड्राइव्स डेंगू स्प्रेड इन फ्रांस।
अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, कल से जो आपका हिंदू का सेशन होगा वो UIAS चैनल के अंदर होगा, ठीक है। तो ये आप यूट्यूब में जाओ और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, UIAS ऐसा टाइप करो वो मिल जाएगा, और ग्रुप में भी आई विल शेयर द लिंक, तो वहां भी आपको मिल जाएगा। तो आपको बस रेगुलर बेसिस में जो सेशन हिंदू का है, 9 प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज है, साइंस टेक की भी सीरीज में आपसे स्टार्ट करूंगा, ऐसे मेंस की वीकली टेस्ट है, वो हर चीज उसमें रहेगा, योजना भी मैं कवर आपके लिए करूंगा, डाउन टू अर्थ मैगजीन दैट विल आल्सो बी कवर्ड, तो हर चीज उसमें कवर होगी, जैसे योजना भी रहेगी सारी चीज, तो यहाँ पे आंसर राइटिंग भी होगा, हर आस्पेक्ट आपको अवेलेबल रहेगा UIAS के अंदर, ठीक है। तो आपको फिर आप फोकस अपना प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। ये सेम सब कुछ सेम है, अनअकैडमी का ही चैनल है, आई विल बी टेकिंग द सेशन देयर, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। सो उसमें सिर्फ मेरे ही सेशन अभी फिलहाल के लिए हैं, धीरे धीरे फिर एडिशन होता रहेगा, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो YouTube में जाके UIAS जो चैनल है उसमें कल से हिंदू होगा, टाइमिंग सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं, 7:30 जो टाइमिंग होती है वही रहेगा, PDF आपको वजह से शेयर होती है, सब कुछ रहेगा, है ना, एवरीथिंग विल बी सेम, यही टी शर्ट रहेगा, यही लोगो रहेगा, एवरीथिंग इज देयर, ये ध्यान में रखना। तो ये देखते हैं, क्लाइमेट चेंज ड्राइव्स डेंगू स्प्रेड इन फ्रांस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें मेंस का भी प्रश्न बनता है और जो प्रीलिम्स है उसका भी प्रश्न आपके लिए फ्रेम होता है। देखो एक चीज याद रखना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ध्यान से आप समझना, थोड़ा कंटेक्स्ट आपको समझ में आएगा तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक तो 0 डिग्री, 23.5, 23.5, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपका है इक्वेटर, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो कंडीशंस हैं इस जगह पे कंडीशन देखोगे, टेम्परेचर हाई, ह्यूमिडिटी हाई, इस तरीके से होता है, ह्यूमिडिटी भी आपकी इसकी हाई होती है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि जैसे जो भी कंडीशंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे उसी कंडीशंस के अंदर जो डिफरेंट इंसेक्ट्स होंगे वो आपके डेवलप होंगे, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। एक टर्म मैं आपको इसमें अभी पढ़ाऊंगा, उसका नाम आता है एर्बो वायरस, ठीक है, या फिर एर्बो डिजीज क्या होती है, एर्बो डिजीज या एर्बो वायरल डिजीज क्या होती है, आगे अभी ये शब्द आएगा क्या होता है। तो आप ये समझो कि जो कंडीशंस यहाँ पे होती हैं वो कंडीशंस बेसिकली फैसिलिटेट करती हैं बहुत सारे बीमारियों के लिए, मतलब ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स होंगे, ऐसे ऐसे कीड़े होंगे जो कि बहुत सारे पैथोजेंस कैरी करते हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, वायरस है, ये पैथोजेंस है। तो पैथोजेंस का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है। तो यहाँ पे आप याद रखो कि यहाँ पे आपको याद रखना पॉइंट, जो आपको याद रखना है कि ये बहुत सारे इंसेक्ट्स, वायरस, बैक्टीरिया, मतलब इस टाइप के होंगे जो कि पैथोजेंस को कैरी करेंगे और बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे डेंगू की बीमारी, डेंगू जो भी आप बोलो वो बीमारी है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसको मॉस्किटो है। सो जैसे एडीज एगेपेटी, एडीज एल्बोपिक्टस, ये दो तरीके के मॉस्किटो हैं, आगे लिखा है देख लेना। तो जो भी कंडीशंस मच्छर के लिए हैं वो इस जगह पे अवेलेबल रहती है। जब आप बियॉन्ड एरिया में जाओगे जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो होता है, तो वहाँ पे डेंगू के लिए जो आप कह सकते हो कि जो मच्छर है उसके डेवलपमेंट के लिए आपका कंडीशंस नहीं होती हैं। अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो जो कंडीशंस यहाँ हैं, यहाँ हैं, ऐसा ही टेम्परेचर इधर भी हो रहा है। मतलब आप देखो कि यूके में, ब्रिटेन में 40-40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा, तो जो कंडीशंस यहाँ थी वो कंडीशंस अब यहाँ होने लगे। तो जो इनको फायदा था कि ये लोग यहाँ मच्छर नहीं जाना पसंद करते थे, अब यहाँ भी मच्छरों को जो है पूरा मजा आने वाला है, वो वहाँ भी जाएंगे, अब वहाँ मच्छर उधर जाएंगे और डेंगू को स्प्रेड जो है वो करने का जो पॉसिबिलिटी है वो तेजी से बढ़ रही है। फ्रांस के अंदर भी जो सदर्न फ्रांस है वहाँ पे बढ़ा है। रीजन याद रखना है कि अगर आपसे क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछे तो ये डिस्क्रिप्शन आपके माइंड के अंदर जो है वो पूरे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे एक तो आपका एडीज एगिपेटी है और एक आपका एडीज एल्बोपिक्टस है, ठीक है। तो ये दोनों हैं जो आपके मच्छर रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये क्या होते हैं, ये वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो डेंगू है वो वेक्टर बेस्ड डिजीज है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर बेसिकली क्या करता है, जो डेंगू कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि डेंगू किसकी वजह से यूज कॉज होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स, बताओ क्या, कौन इसको स्प्रेड करता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स, डेंगू किसकी वजह से कॉज होता है।
देखो जो वेक्टर होता है वो वेक्टर बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली इस जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको कैरी करता है। जैसे मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप स्कूटर बाइक गाड़ी किसी से भी जाओ तो वो गाड़ी आपको लेकर जा रही है, ऐसे ही ये जो वेक्टर होते हैं ये वायरस बैक्टीरिया को लेकर जाते हैं। और यहाँ पे वेक्टर कौन है, वो है ये आपका एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज एगियोपेटी दो हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो एडीज एल्बोपिक्टस है इसका जो ट्रांसमिशन करने की कैपेसिटी होती है वो लेस होती है कंपेरिजन टू द जो एगियोपेटी है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि इसकी जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है वो लेस होती है। फ्रांस में जो केसेस बढ़े हैं उसमें जो आपका वेक्टर है वो एल्बोपिक्टस है अभी फिलहाल के लिए। धीरे धीरे अगर वहां पे वैसी कंडीशंस हो जाएं जैसे हमारी जैसे हम लोग यहाँ पे है कि कैसी जगह कई जगह तो ऐसी हैं कि इतने मच्छर हैं, इतने मच्छर आपको मिलेंगे कि आप मानो कि बड़े बड़े मच्छर यूं है ना कि वो मतलब आप मानो कि थोड़ा और बड़े हो जाए तो पता नहीं कितने बड़े हो जाएंगे, आप इमेजिन करो। तो वो इस बड़े बड़े मच्छर और आप ये देखो फॉरेस्टेड एरिया मतलब इवन आप जैसे फॉरेस्ट एरिया में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी होती हैं उनको भी सबसे बड़ा चैलेंज है मच्छर से ही फेस करना, मलेरिया और इन बीमारियों से बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं उनको हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, आप इमेजिन करो कितना बड़ा हुआ है। तो अब क्या है कि ये सेम जो कंडीशंस हमारे यहाँ हैं वही कंडीशंस आपको उधर दिखेंगी। और ये जो डेंगू का मच्छर होता है इसके जो एग होते हैं मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसके जो एग होते हैं वो एक साल तक डॉर्मेंट रहेंगे। एक साल तक डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कि वन ईयर तक वो डॉर्मेंट रहेंगे, इट सिंपली मींस कि वन ईयर का तक डॉर्मेंट रहेंगे। इसका जो सिंपल सा मतलब होता है कि एक साल तक एक साल तक अगर एक जगह वो पड़े हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एग में जैसे ही पानी का लेयर टच करेगा वो हैच कर जाते हैं, मतलब फिर अंडा टूटेगा और मच्छर निकलता है बाहर। तो आप जब बोला जाता है ना कि कहीं पानी इकट्ठा मत होने दो, साफ पानी में ये मच्छर पनपते हैं, इसका सिर्फ मतलब ये होता है कि ऑलरेडी उन जगहों कहीं ना कहीं वो मच्छर के एग्स प्रेजेंट होते हैं और वो एक साल से डॉर्मेंट है। पानी का लेयर जैसे ही टच होगा वहां वो पनप जाएंगे। टच होने का मतलब जैसे पानी के लेयर में थोड़े समय तक पानी में प्रेजेंट है तो वो फिर हैच कर, तो जहां पानी इकट्ठा होगा वहीं पे वो एग अगर प्रेजेंट है तो वो फिर हैच कर जाएंगे और फिर वहां मच्छर एक से दो दिन से फिर बढ़ते चले जाते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है। तो जो कंडीशंस यहाँ पे ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर है अब वो कंडीशन टेम्परेट कंट्रीज के अंदर होने लग गई हैं, इस वजह से डेंगू जैसी बीमारियां आपकी फैल रही हैं। ये पॉइंट आपको डिस्क्रिप्शंस माइंड के अंदर आपके होना चाहिए। जैसे क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट अगर आपसे पूछे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू कैन कोट ऑल दिस थिंग्स, सारी बातें जो है हाईलाइट कर सकते हो। अब देखो एक टर्म और इसमें आता है, दैट इज एर्बो वायरल डिजीज। ठीक है, ये टर्म याद रखना, दैट इज एर्बो वायरल डिजीज के बारे में, व्हाट बेसिकली इज अरबो वायरल डिजीज। तो ये अरबो वायरल जो डिजीज है ये क्या है, यहाँ पे जैसे जो भी बीमारी स्प्रेड होती है कीड़ों के जैसे कोई इंसेक्ट है जो कि एक वेक्टर का काम करता है और वो कोई वायरस और इनको जो है कैरी करता है और उससे फिर बीमारी फैलाता है जैसे डेंगू है, तो इट इज अरबो वायरल डिजीज। ये अरबो शब्द आपको याद रखना, अगर आपसे पूछे अरबो वायरल डिजीज रिसेंटली न्यूज में था तो क्या है, तो इसमें आपका एक इंसेक्ट है जैसे मॉस्किटो टिक्स ये साथ में अपने वायरस कैरी करेंगे और फिर वो इंसान को बीमार करेंगे। तो ऐसे जो होते हैं वेक्टर बेस्ड डिजीज उनको अरबो वायरल डिजीज कहते हैं। वायरल का मतलब वायरस शब्द से रिलेटेड हो गया, ठीक है ये ध्यान में रखना है आपको। तो एक ये हाइपरटेंशन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब इन इंडियन एडोलेसेंट। ठीक है, तो इसमें भी देखो एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो जाता है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है बेसिकली ये। अच्छा एक पॉइंट और भी मैं आपको बता देता हूँ, यूआईएस चैनल के अंदर फिर आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, कल से जो आपका हिंदू का सेशन होगा वो यूआईएस के अंदर होगा, यूआईएस। ठीक है, आपको मिल जाएगा लिंक, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। दूसरा आप ये याद रखना कि आज अभी यूआईएस के अंदर 9 बजे जो आपका वीकली मेन्स मॉक टेस्ट होता है दैट विल बी अपलोडेड, है ना, मेन्स मॉक टेस्ट जो है वो 9 बजे आपका अपलोड हो जाएगा। पूरे वीक में जो भी हिंदू के क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं उन पर बेस्ड आप फिर अपना आंसर कर सकते हो, क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे उन टॉपिक्स पे होंगे जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो उसको प्लीज़ आप लोग थोड़ा अटेम्प्ट करना। क्वेश्चंस आपके हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, दोनों में होंगे, तो आप लोग जिस भी भाषा से हैं तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है उसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाइपरटेंशन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब इन इंडियन एडोलेसेंट। इंडियन एडोलेसेंट के है ना, तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस दीज आस्पेक्ट। तो देखो इसमें क्या है कि एक जो एस्पेक्ट है वो है अर्बनाइजेशन।
अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। देखो क्या है कि जो रूरल पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन और यहाँ पे आपकी अर्बन पॉपुलेशन, यू हैव अर्बन पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो है इधर से इधर आपके माइग्रेट कर रहे हैं, दे आर माइग्रेटिंग, इधर से इधर इधर क्या कर रहे हैं, दे आर माइग्रेटिंग। तो रूरल पॉपुलेशन जो है बहुत अधिक आपका अर्बन पॉपुलेशन की तरफ आपका माइग्रेट कर रही है। तो अर्बनाइजेशन जो आपका हो रहा है, इससे अर्बन पॉपुलेशन कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज हो रही है। अब क्या हो रहा है कि अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो कई रिपोर्ट क्या हाईलाइट कर रही हैं, बिकॉज फैमिली न्यूक्लियर हो रही हैं, ठीक है, फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही हैं, हस्बैंड वाइफ और फिर बच्चा, फैमिली न्यूक्लियर हो गई हैं। दूसरा अगर आप देखो तो जैसे जो प्रोसेस्ड फूड है इनका कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो उसमें भी प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन तेजी से आपका बढ़ रहा है, ठीक है, ये एक चीज बढ़ जाती है। प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज आपका जो है हो रहा है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन यहाँ आ रही है, फूड रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है, इस वजह से स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, मोबाइल और इन सब में समय बहुत जाता है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। तो ये सब फैक्टर की वजह से, बिकॉज ऑफ सर्टेन लाइफ स्टाइल दैट अराइज या एरोज बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, जो हाइपर टेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर प्रेशर जैसी चीज़ें आपकी देखने को मिल रही है, स्टडी है। तो ये तो चलो बुढ़ापे में तो होता ही है, देखने को मिल जाता है, मतलब एज के साथ साथ ये इशू देखने को मिलता है, लेकिन अब एडोलेसेंट मतलब 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनमें भी ये सब जो है देखने को मिल रहा है, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इसलिए क्या है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को भी जैसे मोबाइल फोन है वर्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है, बोलना तो आसान है बट आज के समय में यू नो मोबाइल फोन, छोटे बच्चे 2, 2.5, 3 साल के भी हैं तो उनको भी आप मानो कि तो मतलब मोबाइल फोन आप ले लो तो बहुत डिफिकल्टी है, मतलब उसके बिना वो खाना भी नहीं खाएंगे और पता नहीं क्या है। और यूट्यूब में कंटेंट भी आजकल ऐसा है बच्चों के लिए कि वो उससे लिंक करना भी स्टार्ट करते हैं, बट उसका नुकसान है, मतलब स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो ये सब हाइपर टेंशन से। तो अब जब से अर्बनाइजेशन जो है, अगर आप उसके इम्पैक्ट पर कोई बात लिखते हो तो अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट आप और बातें लिख सकते हो, पर हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर आप कंटेंट मतलब आपको यहाँ से मिलेगा, ये टॉपिक आपका जीएस पेपर उसके अंदर है, ठीक है। तो ये डेटा कुछ लिखा हुआ है तो आप लोग गो थ्रू हो जाना, मैं लिंक आपसे ये पूरा कंटेंट है वो शेयर कर दूंगा। अब इसमें क्या है, नीड टू स्क्रीन है, अब इसमें कहा गया कि अगर ये सब चीजें हैं तो जो बच्चे हैं मान लो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, बीपी कम ज्यादा जो भी है, उसका रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर ये फिर एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाएगा, रेगुलर चेकअप एंड ऑल ये सब रेगुलर आपका होते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें इन्होंने कही है बर्डन हाइपरटेंशन का, क्योंकि हमको पता है यंग एज में ये सब चीजें तो फर्दर हम लोग कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज फ्यूचर स्ट्रेटजी ऑन एमिशन। तो देखो ये सब बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, बट ये मैंने पूरा पीडीएफ बना दिया है तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं कि इंडिया ने क्या क्या टारगेट्स रखे, इंडिया के एनडीसीज क्या क्या हैं, ये ऑलरेडी हमने पुराने आर्टिकल्स में डिस्कस किया, बट आज क्या कंपाइल होकर पूरा आ गया, एक साथ पूरा कंपाइलेशन इसका पूरा दिया है। कि जैसे मान लो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया लॉन्ग टर्म जो लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसमें क्या क्या गोल्स रखे गए हैं, सब चीजें, तो पूरा पीडीएफ आई हैव क्रिएटेड, मैं आपसे अभी शेयर किए दे रहा हूँ, तो आप उसको गो थ्रू हो जाना, रीड कर लेना, ठीक है। तो ये इंडिया ने क्या कमिटमेंट है, फिर इंडिया क्या क्या, ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इन्होंने, कंपाइल करके एक साथ दे दिया है, तो ये पूरा कंटेंट इंक्लूडेड है। इसका माइंड मैप भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा और ये पूरा पीपीटीज जो है ये भी अभी शेयर कर दूंगा, तो आप कंटेंट एक बार गो थ्रू हो जाना। ये वही पुराने जो टॉपिक्स ऑलरेडी तीन तीन चार आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं ना, उसी से पूरा रिलेटेड है, मतलब वही कंपाइल करके आज एक साथ जो है इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान में रखना है, तो इसका पीडीएफ आई विल शेयर, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, कल से जो आपका सेशन होगा वो यूआईएस चैनल के अंदर होगा, ठीक है। जो यूआईएस है तो आप लोग अभी तुरंत जो है टाइप कर दो यूआईएस और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पे हिंदू का सेशन 7:30 बजे का वही टाइमिंग मॉर्निंग के अंदर कल से आपकी होगी, रेगुलर बेसिस में जो टाइमिंग है दैट विल बी देयर। तो यहाँ पे आप अनअकैडमी मुझसे जुड़ सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, कोर्स आपका है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा भी ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, नवंबर 24 लास्ट डेट है, ठीक है। इंग्लिश माध्यम से भी आपके कोर्सेस हैं, तो unacademy.com में जाओ, UPSC सेलेक्ट करो, SP लाइव कोड डाल के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में UIS के अंदर। और एक तो 9 PM को आज मेन्स मॉक टेस्ट होगा और फिर कल से 7:30 बजे वो टाइमिंग, फिर प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज वीकली आपका ये रहेगा, योजना एंड ऑल जो मैगजीन्स हैं
धीरे धीरे आई एम गोइंग टू कवर दोज ऑल्सो, तो कंप्लीट आपका रहेगा। तो आप अपना जो है ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल के अंदर भी बहुत सी से सारी चीज़ें चलती रहती हैं, करंट अफेयर्स और बहुत सारे टॉपिक्स भी चलते रहते हैं, तो वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को जो है अच्छा कर सकते हैं। सो मिलते हैं UIS के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।